देखो टॉपिक स्टार्ट करें बेटा। आगे हम कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ओमिक कंडक्टर, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कई बार आ चुका है। ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर नाम से पता लग गया बेटा, जो ओम सलाह को ओमे करेंगे है बेटा, क्या लिखोगे? यस द कंडक्टर, यस द कंडक्टर विच ओवे, विच ओवे किसको बेटा? यस विच ओवे द ओम्स लॉ, किसको ओवे करेंगे? ओम्स लॉ को। या यू कैन से विच गिव द स्ट्रेट लाइन बिटवीन वी एंड आई, बेटा यदि वी और आई या फिर आई और वी ग्राफ क्या बने? स्ट्रेट, क्या बने बेटा? स्ट्रेट ग्राफ। ये आ जाए बेटा, ये आ जाए, ये आपका क्या बेटा V है, ये आपका I है, या फिर ये क्या हो सकता है बेटा आपका I, ये क्या हो सकता है बेटा V हो सकता है। तो ग्राफ क्या रहेगा? हमेशा स्ट्रेट रहेगा। तो ऐसे कंडक्टर को क्या बोलेंगे बेटा? ओमिक। क्या बोलेंगे? ओमिक। क्लियर है? ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा ओमिक का। और नॉन ओमिक का इससे अपोजिट है बेटा, वो है आपका नॉन ओमिक। नॉन ओमिक में क्या बनेगा बेटा? विच डू नॉट ओबे, जो ओबे नहीं करते किसको? ओम सलाह को। मीन्स उनके अंदर जो है लाइन कैसी स्ट्रेट नहीं आएगी नॉन ओमिक में बेटा, ये वी है ये आई है, या फिर बेटा ये आई या ये वी है, तो ग्राफ बेटा ये ऐसा कुछ नहीं है, समझ नॉट स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे हो बेटा आपके? नॉन ओमिक। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टर्म इज थर्मिस्टर। अगली जो टर्म है बेटा वो है थर्मिस्टर। क्या होता है देखिए, सुनो ध्यान से बेटा, ये इम्पोर्टेंट डिवाइस, एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है। आपने देखा होगा जहाँ किसी फैक्ट्री में या घर में आग लगती है तो सायरन ऑन हो जाता है, एक साउंड पैदा हो जाती है कि आग लगी है वहाँ। ये क्या होते हैं बेटा? थर्मिस्टर लगे होते। क्या होते हैं? थर्मिस्टर। ये हीट सेंसिटिव डिवाइस होते हैं। कैसे होते बेटा? हीट सेंसिटिव। कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये ग्लास मेटेरियल होता है, ये ग्लास मेटेरियल होता है यहाँ, तो ग्लास मटेरियल में इसमें बेटा आपका जो है, देखिए बेटा ग्लास मटेरियल, ये ग्लास मटेरियल इसमें दो ये होती है रोड, और ये मेटालिक होती है बेटा, ये मेटल्स की होती है, मेटालिक होती है, ठीक है। तो ये जो है कनेक्शन होते हैं बेटा उसके साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्शन होता है। तो ये किसके साथ है? किस स्पीकर के साथ है बेटा? क्या ये स्पीकर? ये स्पीकर के साथ, हम मान लीजिए कोई स्पीकर है उसके साथ ये कनेक्शन है बेटा, दैट इज द स्पीकर, ये स्पीकर है और इसके साथ कनेक्शन है बेटा। तो हमें पता लाइट ऑन कर देंगे तो स्पीकर ऑन हो जाएगा। ये जो है डिवाइस बेटा ये थर्मिस्टर है। ये क्या होगा? ये जो प्लेट है ये इतनी सेंसिटिव होती है कि आपने पढ़ रखा है मेटल की प्रॉपर्टी, मेटल के होते हैं एक्सपेंशन, कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएंगे एक्सपेंड। तो बेटा जब टेम्परेचर हाई होता है ये जो प्लेट है ये किससे टच कर जाएगी? इसके साथ। तो सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज। करंट विल फ्लो, करंट फ्लो कर जाएगा। तो हीट सेंसिटिव डिवाइस है बेटा, डेफिनेशन क्या होगी थर्मिस्टर? क्या बेटा? हीट सेंसिटिव डिवाइस जिनकी रेजिस्टिविटी क्या बेटा? चेंज होती है, लेकिन कैसे? रैपिड, वेरी फास्ट विद चेंज इन टेम्परेचर। क्या बेटा ये क्या है? हीट सेंसिटिव डिवाइस, हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी, हुज रेजिस्टिविटी चेंज बट फास्ट मीन रैपिडली, फास्ट बेटा विद चेंज इन टेम्परेचर, विद चेंज इन टेम्परेचर क्या चेंज होना है? पर इनकी रेजिस्टिविटी वेरी फास्ट चेंज होती है बेटा। तो इनको हम क्या बोलते हैं? थर्मिस्टर बोलते हैं। और क्या है कंडीशन? क्या क्या बेटा? एक तो सबसे बड़ी पहचान है इनका जो रेजिस्टेंस है 0.1 ओम से लेकर 10 की पावर 7 ओम, एक कंडीशन। इनका जो रेजिस्टेंस है दैट शुड बी पॉइंट फ्रॉम 0.1 ओम टू 10^7 ओम। नाउ सेकंड है थर्मिस्टर इज डिफॉर्म। थर्मिस्टर बेटा सिंपल रेजिस्टर से अलग है। थर्मिस्टर एक डिवाइस है, सिंपल रेजिस्टर क्या करता है? रेजिस्ट करता है, करंट को फ्लो को रोकता है बेटा। तो ये कहता है इसके लिए अल्फा की वैल्यू, थर्मिस्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या बेटा? वेरी हाई, क्या? वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई है। दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर बेटा? ठीक है।
हो जाएगा। उसके बाद बेटा मैंने सुपरकंडक्टर आपको कराई दिया था, सुपरकंडक्टर मैंने बता दिया था कि जब हम टेम्परेचर क्या करते हैं घटाते हैं तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। यदि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा, जीरो, कितना हो जाए जीरो, तो वो क्या बन जाता है सुपर कंडक्टर, क्या बन जाता है सुपर कंडक्टर। ये मैंने आपको करा दिया था बेटा आपको ये टर्म,